आपके पास पुराने ब्लाउज तो जरूर होंगे क्योंकि साड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं यूज कर लिया या किसी को दे दिया, लेकिन ब्लाउज अगर बच गए हैं तो ऐसे में आप ये दोनों आइडिया यूज कर सकते हैं। कटेड वाले ब्लाउज को भी एकदम खास तरीके से यूज करेंगे। तो पहले आइडिया में मैं यूज करके दिखाऊंगी आपको अस्तर वाले ब्लाउज। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत पहले का है और तब मैं थोड़ी पतली भी थी, तो बस इसकी सिलाई को खोल लेंगे ताकि कपड़ा ज्यादा से ज्यादा निकल सके। अगर आपके पास आपका ब्लाउज चौड़ा है तो आप खोलने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े के बैक पार्ट से हम पट्टियाँ कट करेंगे और जो फ्रंट वाला पोर्शन है दोनों, उसे हम फ्रंट और बैक यूज करेंगे। तो बस इसको स्लीव को हटा करके आपको पूरा पोर्शन निकाल लेना है। ये देखिए, आसीन हटा दी मैंने, दोनों पीसेस निकल आए हैं। अब जो भी चौड़ा है या फिर बीच में हुक वगैरह है, इनको कट करके अलग कर लें। अब दो पोर्शन को नाप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लगाऊंगी पट्टी कपड़े की, इसी की। तो इसको पहले नाप लीजिए और बीच में जोड़ आए तो आप जोड़ लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए बॉर्डर है, इसको यहाँ से ऐसे नाप लेंगे तो यहाँ तक आ रहा है, बाकी बीच में एक और जोड़ लगा लेंगे। तो यहाँ तक मैं इसी कपड़े को अटैच करूंगी, लेकिन थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट अटैच करूंगी। तो बस आपको जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई रख लीजिए, 3, 4, 5 जितना आपको चौड़ा करना है आप उतना बढ़ा लें। बाकी हिस्से को नाप करके ट्रांसपेरेंट शीट आपको जितनी चाहिए उतना आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 29 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो मैं 30 रख लूँगी और इतनी लंबी मेरी पट्टी होगी ट्रांसपेरेंट शीट की, और बाकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। पट्टी और कपड़े को एक साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। को ब्लाउज के एक हिस्से से अटैच कर लिया, अब दूसरे हिस्से से भी इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ कपड़ा ही जोड़ा है, उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें फिर हम शीट को अटैच कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छे से निकाल लीजिए। अब बाकी बचे हिस्से में शीट को अटैच कर दीजिए और एक साइड हम लगाएंगे जिप। जिप से हम दूसरे फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे, तो एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा झटपट। शीट से मैंने जिप को भी अटैच कर लिया और इसको इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिए। अब बाकी हिस्से से भी देखिए, दूसरे साइड से हम जिप को अटैच कर लेंगे और इसको कर लेंगे पूरा कंप्लीट। जब भी जिप लगाएं तो उसको पलट करके उसके ऊपर टॉप स्टिच जरूर लगाएं, ताकि आप जब भी रनर डालें तो बिल्कुल भी ना फंसे। तो ये देखिए, एक छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर रेडी है, और आप इसमें अपने बहुत सारे जो कीमती ब्लाउजेस होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको वेल मेंटेन रखने के लिए यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये सिंपल सा ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। आपको सिर्फ एक ब्लाउज से बनाना है और अपने सारे ब्लाउज को ऑर्गेनाइज करना है। आप इसको छोटा ना समझें, इसमें बहुत सारे ब्लाउजेस आ सकते हैं, इसमें कम से कम 15-20 आराम से आ जाएंगे। ये छोटा सा है इसलिए बहुत कम स्पेस लेगा और आप इसको कहीं पे भी कैसे भी रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी यूज़ करिए, अगर कहीं आ रहे हैं गर्मियों में कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल यूज़ करिए, आपके सारे कपड़े भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। वैसे भी इसको बनाने में कोई पैसा नहीं लगता, ना तो इसमें अस्तर लगाना है, ना ही कोई फोम शीट, ना ही कोई रबर शीट। ये सिंपल सा यूजफुल ऑर्गेनाइजर फ्री में बन जाता है। सेकेंड आइडिया में मैं यूज़ करूँगी ये पैडेड वाले ब्लाउज, और अगर आपके पास भी हैं और कहीं ना कहीं पुराने हो चुके हैं, आप इनको नहीं पहनते हैं, तो प्लीज़ फेंके मत, आप इनसे ना बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। जी हाँ, मैं इसे ऑर्गेनाइजर तो बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले साइड में जो मार्जिन है ना कपड़े का, इसको खोल लेंगे ताकि कपड़ा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये देखिए, खोल लिया। तो ये है फ्रंट का हिस्सा, और इसकी खासियत ही यही है इस ब्लाउज की कि इसमें कफ्स हैं, और इनको मैं नहीं हटाने वाली, ठीक है, इसको ही यूज़ करेंगे अपने पूरे वीडियो में। तो देखिए, ये जो कफ्स है ना, ये प्रॉपर शेप में हैं और कहीं ख़राब नहीं हुए हैं। आप इसको अपने लिए अंडरगारमेंट ऑर्गेनाइजर की तरह बना सकते हैं। तो आपने ब्रांडेड देखे होंगे, मार्केट में ऑनलाइन भी देखे होंगे, वो प्रॉपर इसी शेप में रहते हैं। इससे होता क्या है, आपके जो भी अंडरगारमेंट या ब्रा होती हैं वो प्रॉपर शेप में रहती हैं। आप उनको फोल्ड करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक अपना इनर रखा और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। मैंने नाप इसमें लगा ली है, अब इसमें जो भी आपने नाप लगाई है उससे 1/2 इंच या 1 इंच छोड़ करके इसको कट कर लें। तो
तो ये देखिए प्रॉपर ट्यूब नेक में ये बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब बैक में रखने के लिए इसका जो बैक पार्ट है उसके हम इस तरीके से अटैच करेंगे। कपड़े को इस तरीके से सेट कर लीजिए ताकि बैक में हम कपड़ा इसका निकाल सके। इस तरीके से आपको बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। अब फ्रंट वाला हिस्सा रखिए और इसको भी सेम ड्रॉ कर लीजिए। बैक पार्ट भी इसका रेडी कर लिया मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नापना है साइड साइड में। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद ऊपर तक इसको हम कवर कर लेंगे। आप यहाँ पर कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं अगर ब्लाउज में कपड़ा हो तो, या फिर सिंपल आप ट्रांसपेरेंट शीट लीजिए, उसे देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो चारों तरफ से इसको नाप लेते हैं एक बार यहाँ से, उसके बाद साइड साइड में, उसके बाद ऊपर कर्व करते हुए पूरा इसको प्रॉपर नाप लें। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 4 इंच 5 इंच जितना आपको रखना चाहें। बाकी सेम जैसे मैंने पहले ऑर्गेनाइजर में अटैच करा था सेम उसी तरीके से इसको भी अटैच कर लेना है। कपड़े के एक हिस्से में देखिए मैंने प्लास्टिक शीट को अटैच कर लिया है और बीच में कहीं कहीं पे छोटा था तो मैंने जोड़ भी लगा लिया है। तो ये देखिए ये तो हो गया। अब आपको इसमें जिप को अटैच करना है, सिंपल सा है, आप इसको फोल्ड कर लें। और ये मैंने काफ़ी चौड़ा बनाया है ताकि सारे इसमें जितने भी जो ऐसे पैडेड वाले ब्रा होते हैं सब एक जगह पे आ जाए। तो बस आपको इसमें जिप को अटैच करना है। जिप भी मैंने इसमें अटैच कर ली है और अब बैक पार्ट से इसको ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह से वो भी अटैच करके इसमें टक कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ये रेडीमेड वाला महंगा वाला ऑर्गेनाइजर बन जाए। तो ये देखिए स्मार्ट ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप इसमें अपने ब्लाउज भी स्टोर कर सकते हैं पैटेड वाले, और आप इसमें अपने अंडरगार्मेंट्स भी रख सकते हैं। आप इसमें ब्लाउज रखें चाहे ब्रा रखें, उसका शेप बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो ट्रैवलिंग में यूज़ करें या फिर अपनी अलमारी में अपने कपड़ों को स्टोर करने में यूज़ करें, दोनों ही तरीके से आपकी बहुत सारी बचत होगी और आपके सारे कपड़े हो जाएंगे ऑर्गेनाइज। ये था सिंपल सा फ्री का आइडिया। पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा।